नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक लिया हूं बजाज का हीटर, जो कि कुकिंग हीटर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और आपको ये हीटर मिलेगा अमेजोन से। अगर आपको ये हीटर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, वरना आप अमेजोन पर जा कर के ये हीटर परचेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका लुक कैसा है, और ये भी बजाज कंपनी का, और मैं अमेजोन से मंगाया हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसका पैकिंग कुछ इस तरीके का अभी आया है। तो दोस्तों अमेजोन, हाँ, तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आप खोलेंगे तो पहले आपका वारंटी कार्ड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 1 साल का इसका वारंटी कार्ड है, और इसको करते हैं साइड में, और उसके बाद हम देखते हैं हीटर को और निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका लुक कैसा है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और हीटर। हाँ, तो दोस्तों फिलहाल मेरा हीटर निकल चुका है बाहर। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक है, और यहाँ पर आपको अलग से आता है रेगुलेटर, जो कि मैं लगाते हैं इसको, और आप देख सकते हैं। और चलिए मैं इसको लगा दिया। आप देख सकते हैं कि 0 पर रहेगा तो बंद है, कुछ इस तरीके का आपका लुक दिखाई दे रहा है। हाँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और इसको मैं लाइट में लगा के चेक करूँगा। तो उससे पहले चलिए मैं चलते हैं। दोस्तों एक काम करेगा, 220 से 240 वोल्ट तक, और इसका 2000 वाट का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैं अभी लाइट में लगाकर मैं चेक करते हैं। और हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका रेगुलेटर, और एयर रेगुलेटर अलग रहता है, इसमें लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें 3 स्टेप दिया है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो दोस्तों मैं 3 कर चुका हूँ, और यहाँ पर आप 0 पे करेंगे तो बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं बजाज का ब्रांडिंग है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का लुक है, आप देख सकते हैं। और ये 2 केजी का है। तो दोस्तों आपके सामने दिखा जाता है, ये वारंटी कार्ड, और मैं इसको लगाऊंगा अब लाइट में। तो जो कि आप देख सकते हैं इसका 3 प्लग है। तो दोस्तों इससे आपको लाइट नहीं मारेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके घर में अर्थिंग वाला होना चाहिए, नहीं तो इसमें करंट थोड़ा बहुत आ सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों इसको मैं लगाता हूँ लाइट में और इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों ये हो गया मेरा बोर्ड, और देखिए दोस्तों मेरा हीटर है ऑफ, देख सकते हैं दोस्तों ये हीटर है मेरा ऑफ। और इसको लगाता हूँ मैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब मैं लगा चुका हूँ इसको, लाइट में लगा चुका हूँ, क्योंकि मेरा वायर छोटा पड़ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा बोर्ड को हमको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसको कर दिया ऑन यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको ऑन करके दिखाता हूँ कितना ये लाल होता है हीटर। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ से इसको 1 नंबर करते हैं। दोस्तों 1 नंबर हो चुका है, 1 नंबर पर देखते हैं थोड़ा लाइट वाइट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी मैं इसको टेस्टर लेकर आता हूँ और चेक करता हूँ इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अर्थिंग भी आता है, तो दोस्तों अर्थिंग आता है, उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा हीटर जो है कि वो लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड है मेरा, और देखिए दोस्तों ये बोर्ड में लगा हुआ है मेरा हीटर। और मैं फिलहाल मैं इसको छू के देखता हूँ मेरे को करंट देता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन भी चालू है, और मेरा हाथ भी इधर है दोनों, और अब मैं देखता हूँ दोस्तों करंट तो नहीं मारा, लेकिन आप क्या करिएगा, अर्थिंग जब मिलेगा ना तो आपको करंट भी लग सकता है, क्योंकि इस पे करंट नहीं लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं चप्पल पहन के रब पहना हूँ, और उसके बाद मैं चेक करूँ, क्योंकि नया हीटर है, क्या विश्वास में क्या मतलब थोड़ा बहुत करंट आया है। लेकिन आप देख सकते हैं 1 ही नंबर पर मेरा हीटर चल रहा है अभी,
और फिलहाल अब मैं इसको टेस्टर से मैं चेक करने वाला हूँ कि मतलब इस पे करेंट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए मैं टेस्टर से चेक किया तो इसमें देखिए मेरा अर्थिंग जो क्या आ रहा है, अब देख सकते हैं मेरा टेस्टर जल रहा है, और इस पे भी टच कर रहा हूँ तब भी जल रहा है और इस पे नहीं जल रहा है। तो दोस्तों अभी एक नंबर पे मेरा हीटर है और थोड़ा बहुत गर्म भी हो चुका है। अब मैं कर रहा हूँ 2 नंबर पे, ये 2 नंबर पे कर दिया, सीधे मैं 3 नंबर पे ला के रोकते हैं एकदम फुल। तो दोस्तों एकदम मेरा हीटर फुल हो चुका है और इसको देखते हैं कितना समय लगता है मतलब इसको लाल होने में। मतलब लाल एक कैसा होता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए। और फिलहाल देख सकते हैं कि करंट नहीं दे रहा है, लेकिन वैसे मेरे को करंट नहीं लग रहा है और इसमें थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है। दोस्तों ये हीटर बहुत अच्छा है क्योंकि आप इस पे रखेंगे खाना तब भी लाइट नहीं मारेगा। और टेस्टर से चेक करेंगे क्योंकि हमारे घर में 3 मतलब अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है, इसके लिए इसमें लाइट आ रहा है। अगर अर्थिंग का कनेक्शन होता तो इसमें लाइट नहीं आता, जो आप देख सकते हैं इसमें जो अर्थिंग का लाइट आ रहा है जो कि थोड़ा बहुत आ रहा है वो नहीं आता। अगर आप चप्पल पहन के इस पे क्या करेंगे खाना पर पका सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा 3 पे, आप देख सकते हैं इसको रेड होने में कितना टाइम लगता है, कैसा ये रेड होता है, लाल कैसा होता है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आप देख सकते हैं कि मतलब ये बजाज का है, इसका ब्रांडिंग है। तो दोस्तों अगर आपको ये हीटर चाहिए तो ये मेरे को अमेजोन से मिला था, मतलब 1760 रुपये में ये मैं लिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं। और इसको चाहिए मतलब यही कलर सेम यही हीटर चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टच करके इसको खरीद सकते हैं अमेजोन से। तो दोस्तों आज का मेरा यही वीडियो है और देख लेते हैं कितना समय लगता है इसको रेड होने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब अभी इसमें से निकल रहा है धुआं का जैसा, जो कि इसका पेंट है वो जल रहा है, जो कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा थोड़ा धुआं जैसा निकल रहा है, जो इसका पेंट है वो जलना शुरू हो चुका है। और आँच भी अच्छा खासा लगता है, जो कि ठंडी आ गई है और इसका भी थोड़ा यूज करना जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि गैस तो बहुत महंगा हो गया। तो मैं इसके लिए मैं सोचा हीटर लेके चलते हैं घर पे। और मस्त अभी देख सकते हैं कि मतलब 5 मिनट हो गया मेरे को फुल करते हुए, लेकिन अब इसका कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी ये रेड होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों कम से कम आपको इस हीटर को मतलब 5 या 10 मिनट, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में तो एकदम फुल पे एकदम रेड हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये वीडियो कोई भी कट नहीं हुआ है, आपके सामने ये पूरा ये रेड हो चुका। तो दोस्तों आपको ये हीटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खाना पकाना चाहिए या नहीं पकाना चाहिए, ये आपके ऊपर है। आप इस पर एकदम आराम से खाना बना सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं मार रहा है। तो दोस्तों एकदम बहुत बढ़िया हीटर है। तो दोस्तों आपके सामने हीटर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब कितना मस्त आप इस पे खाना बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो था, अनबॉक्सिंग वीडियो था। तो दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे, तो अगर आपको ये हीटर चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर वारंटी कार्ड साल भर का मिल जाता है, और ये है 2000 वाट का ये हीटर है। तो दोस्तों इससे कम भी आता है, इससे ज़्यादा भी आता है, हिसाब से तो बहुत बढ़िया हीटर मैं आपकी बारी खरीद चुका हूँ। क्योंकि एक बार जो हीटर मैं ख़रीदा था वो गलती से मिस्टेक हो गया था, उसका मैं जो साइज़ था वो मैं चेक नहीं किया था, जो साइज उसका था वो छोटा आ गया था। तो उस पर मतलब अभी ही चलता है, क्या होता है चाय वगैरह गर्म करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा हीटर एकदम पूरा फूल है और मस्त। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए दोस्तों लाइट कट कट कर दिया और ये थोड़ा आज कम हो रहा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा राड है, दोस्तों इस हीटर में पूरा राड दिया है। दोस्तों यही गर्म होता है, रेड हो जाता है।